हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर. लाइव क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से जल्दी सब लोग जो क्लास है वो ज्वाइन करो. और हम अपना जो टॉपिक है, टॉपिक 5 स्लोप एलिमेंट शुरू करते हैं. और कल हमारा जो टॉपिक 4 है, लैंड फॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी, वो कंप्लीट हो गई है. और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा लैंड फॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी. तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर ले, और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं हम. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा स्लोप एलिमेंट, और साथ ही साथ हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्लोप एलिमेंट छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है आपका टॉपिक 6, जिसमें आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग और आपका जो दूसरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी. तो ये दोनों टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे, ये जो तीनों टॉपिक हैं. गुड इवनिंग सविता. तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे और हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं. तब तक अगर प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट का, या एग्जाम को लेके किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो. गुड इवनिंग भास्कर. तो आप वो भी यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम बता सकते हो. नोट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं बनाने आ रहे हैं, तो वो पूछ सकते हो आप. नहीं तो फिर हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं. 1 मिनट और वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो अपनी क्लास है वो शुरू करते हैं. तो क्लास करते हैं अब हम शुरू. अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. और इसका जो मैंने पीडीएफ है वो आपको कल ही दे दिया था, कल ही आपका पीडीएफ जो है अपलोड हो गया था. तो अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है. उससे पहले देख लो, ये है आपका जो आपका कल हमने क्या किया था, हमने एलसी किंग किया था. और उस एलसी किंग में मैंने आपको बताया था, जो आपके एलसी किंग है ना, उन्होंने जो स्लोप है, स्लोप के 4 एलिमेंट के नाम बताए थे, जिसमें आपका समिट, स्कार्प, डेब्रीज स्लोप और आपका पेडिमेंट, ये 4 इन्होंने दिए थे. और ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता. तो देखिए आप, समिट किसको बोलते हैं, स्कार्प, और देखो ये है हमारा. तो देखो ये जो सबसे ऊपर का ये जो कन्वेक्स शेप आपका जो होती है इसकी, किसी भी पहाड़ी की, उसको बोलते हैं क्रस्ट या सुमिट को. आप इसको आप क्या बोल सकते हो, समिट, SUMMIT, समिट, ठीक है. उसके बाद ये जो खड़ा ढाल होता है ना, ऐसे बिल्कुल ये सीधा, इसको बोलते हैं प्री फेस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो, एलसी किंग ने इसको बोला है आपका स्कार्प, ठीक है. उसके बाद जो थर्ड है आपका, वो है ये देखो डेब्री स्लोप. इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला गया है डेब्रीज. डेब्री स्लोप इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि ये जो आपका फ्री फेस है या जो स्कार्प है, इस पे आपका कोई भी डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेक्टी फ्री फेस स्लोप बोला जाता है. क्योंकि ये इसका जो कगार है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो बिल्कुल खड़ा है, स्टीप स्लोप है. वही जो डेब्री स्लोप है, इसका जो ढलान है, जो स्लोप है, वो थोड़ा सा जेंटल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो मटेरियल यहाँ नहीं रुका, वो इरोजन होके यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपोजिशन. याद रखना, फ्री फेस पे इरोजन ज्यादा होता है, और जबकि आपके डेब्री स्लोप पे डिपोजिशन ज्यादा होता है. और लास्ट में ये क्या बन जाता है, आपका पेडिमेंट. इसको आप कनकेव स्लोप भी बोल सकते हो. जबकि डेविस की भाषा में याद रखना, सुमिट, स्कार्प,
कार्प, डेब्री स्लोप और पेडिमेंट। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं। ये आपका जो है, मैंने आपको जो स्लोप है, स्लोप के जो ये टाइप है वो बता दिए हैं, स्लोप के किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो अब ये देखो, आपका सबसे पहले है स्लोप एलिमेंट है कुछ, इसमें सबसे पहला एलिमेंट है आपका सुमीटियल कन्वेक्सिटी। अब ये सुमीटियल कन्वेक्सिटी क्या होता है, ये देखो, ये रहा डायग्राम। इस ये जो आपका सबसे ऊपर वाला भाग और गुंबद शेप है, यानी कि डोम शेप को आप क्या बोल सकते हो, कन्वेक्स शेप है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रेस्ट, क्रेस्ट, या फिर इसको सुमीटियल कन्वेक्सिटी भी बोला जाता है। अब ये बताया गया है कि ये जो आपका क्रस्ट पार्ट है, ये जो सुमीटियल कन्वेक्सिटी है, ये बनता कैसे है। तो देखो, ये देखो इसमें क्या मिलता है, कन्वेक्स सेगमेंट इज फाउंड एट द हिल क्रस्ट, यानी कि जो आपकी पहाड़ी है, पहाड़ी के क्रस्ट पर, टॉप पर हमें कन्वेक्स, कन्वेक्स कैसी शेप होती है, कन्वेक्स शेप होती है, डोम शेप, ऐसी ऐसे आपको शेप मिलेगी। और इस एलिमेंट को क्या बोला गया है आपका, सुमिटियल कन्वेक्सिटी। सुमिट का मतलब होता है सबसे शीर्ष वाला भाग, और कन्वेक्सिटी का मतलब होता है आपका कि आपका जो शेप है वो कैसी है। तो कन्वेक्स का मैंने बता दिया, शेप डोम शेप होती है, इसलिए इसको सुमिटियल कन्वेक्सिटी बोलते हैं, या फिर आप इसको सिंपल कन्वेक्स एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो ये कन्वेक्स स्लोप है, इफ कन्वेक्स एलिमेंट डोमिनेट्स द हिल स्लोप प्रोफाइल इज ऑल्सो, देखो इस कन्वेक्स स्लोप को आप वैक्सिंग स्लोप भी बोलते हो। क्यों? बिकॉज इट ग्रोज इन हाइट अपवर्ड एंड इन डायमेंशन डाउनवर्ड। ये कहते हैं कि आपका जो कन्वेक्स स्लोप है ना, इस कन्वेक्स स्लोप को या सुमीटियल कन्वेक्सिटी को हम वैक्सिंग स्लोप भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका हाइट में सबसे ऊपर बनता है, पता है ना, सबसे हाइट में सबसे ऊपर, सबसे पहले ये, फिर ये ढाल, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये आपका क्या होता है, एक स्लोप होता है। तो इसको वैक्सिंग स्लोप क्यों बोला गया, ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बनता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है, क्या वैक्सिंग स्लोप, ये आपके जो पैंक थे ना, पैंक ने इसको जस्टिफाइएबल नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं बिकॉज नॉट ऑल कन्वेक्स स्लोप नेसेसरली ग्रो इन हाइट एंड डायमेंशन। तो देखो, जो यहाँ पे ये बात बोली है ना हमारे सविंद्र सिंह ने, उन्होंने दो बातें बताई कि सुमिटियल कन्वेक्सिटी बोला किसको गया है, यानी कि आपको सुमिटियल कन्वेक्सिटी बोला गया, जो आपके स्लोप का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको सुमिटियल कन्वेक्सिटी बोलते हैं, या फिर आप इसको कन्वेक्स स्लोप या फिर वैक्सिंग स्लोप भी बोलते हैं। इसको वैक्सिंग स्लोप क्यों बोला गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनता है। लेकिन जो आपके विलियम, आपके जो वोल्टर पैंक हैं, वो कहते हैं ये जस्टिफाइएबल नहीं है। ये कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ये जो कन्वेक्स स्लोप है ये बस ऊंचाई पर ही बने, कन्वेक्स स्लोप हमेशा ऊंचाई पर नहीं बनता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद ये कहते हैं मोस्टली जो आपकी जो सुमिटियल कन्वेक्सिटी होती है, ये कहाँ पे डेवलप, क्यों डेवलप होती है, बिकॉज ऑफ डेंड्यूनेशनल प्रोसेस। डेंड्यूनेशनल प्रोसेस यानी कि आपका इरोजन और वेदरिंग की वजह से। अब इरोजन यहाँ का कैसे होगा, इरोजन इस पार्ट का होगा जब आपके बाहर से, जैसे आपका पानी और एयर काम करेंगे, इसकी वजह से यहाँ की जो मृदा है, पानी जब इसमें घुसेगा तो पानी यहाँ की सोयल को ढीला कर देगा, सोयल के अंदर घुस के, और वो सोयल यहाँ से हट जाएगी, इसलिए इसका जो स्लोप हो जाता है वो कैसा हो जाता है, कन्वेक्स स्लोप। और इसको अपर वॉश स्लोप भी कहते हैं। अपर वॉश स्लोप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर बनता है, इसलिए इसको अपर वॉश स्लोप कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं कि शिखर उत्तलता, जो कन्वेक्स स्लोप है, कन्वेक्स स्लोप को, कन्वेक्स शेप को हिंदी में उत्तल कहते हैं। उत्तल खंड यानी के पहाड़ी का शीर्ष, पहाड़ी का शीर्ष यानी कि अभी मैंने बताया जो सबसे ऊंचाई पर बनता है, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, डोम शेप, जो आपका डोम जो शेप होती है उसको बोलते हैं शिखर उत्तलता। और इसको क्या बोला जाता है, इसको हम सिंपल कन्वेक्स जो स्लोप है वो भी बोलते हैं।
और इसको हम क्या है, इसको हम वैक्सिंग ढलान भी कह सकते हैं। ये देखो ये रहा, इसको हम वैक्सिंग ढलान भी कहा जाता है क्योंकि यह ऊंचाई में ऊपर की ओर और आयाम में नीचे की ओर, डायमेंशन में नीचे की ओर होता है। लेकिन जो आपके डब्ल्यू पैंक है, वोल्टर पैंक, उन्होंने इस वर्ड को उचित नहीं माना। किसको? आपके वैक्सिंग स्लोप को। ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो आपका कन्वेक्स स्लोप है वो बस ऊपर बने। ऊंचाई कन्वेक्स स्लोप के लिए नेसेसरी नहीं है। अगर ऊंचाई नहीं होगी तो भी आपका धरातल पर भी कन्वेक्स शेप बन सकती है। उसके बाद बोलते हैं कि अधिकांश जो आपका ये कन्वेक्स स्लोप बनता है वो किसकी वजह से बनता है? आपकी अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा। अनाच्छादन प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें आपके पानी, वाटर ये सब मिल के काम करते, तो उसकी वजह से ये अपर जो स्लोप है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये है आपका कन्वेक्स। तो ये आपका जो फर्स्ट जो चीज है ना वो मैंने आपको समझा दिया। कौन सी? ये जो आपका सबसे ऊपर है, सुमीटियल कन्वेक्सिटी, या इसको आप कन्वेक्स स्लोप भी बोल सकते हो। अब सिंपल नेक्स्ट हमें पढ़ना है ये खड़ा कगार, बिल्कुल स्कार्प। ठीक है, अब ये पढ़ना है ये कैसे बनता है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? एक बार ये कंप्लीट करा के फिर देखती हूँ आपकी प्रॉब्लम। अब आपका जो सेकंड आपका स्लोप का एलिमेंट है उसको बोला गया है आपका फ्री फेस एलिमेंट। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, इसको बोला गया है फ्री फेस। फ्री फेस यानी कि ये कौन से वाला है? सबसे पहले ये देखो, ये शेप है, ये आपका सबसे माउंटेन का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, कन्वेक्स, फिर ऐसे ये खड़ा जो भाग है ये वाला, और उसके बाद ये ऐसे थोड़ा सा झुका और फिर ऐसे नीचे ले। तो ये जो आपका खड़ा भाग है इसको बोला जाता है फ्री फेस। अब क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ फील्ड स्लोप रिप्रेजेंट वॉल लाइक, यानी कि एक दीवार जैसा। दीवार, क्या आपने कभी टेढ़ी मेढ़ी दीवार देखी है? क्या आपने कभी ऐसी दीवार देखी है जिग-जैग में? नहीं ना, दीवार हमेशा बनाई जाती है, हम स्ट्रेट बनाते हैं। आपको पता है आप घर में रहते हो, उस घर में आपकी दीवारें, दीवारें बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना। तो ये जो फ्री फेस स्लोप है ये वॉल लाइक यानी कि दीवार के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेयर रॉक्स यानी कि नगन रॉक, यहाँ पे ये जो स्लोप होता है ना इस पे क्या है, इस स्लोप पे कोई भी वनस्पति नहीं होती। जो रॉक होती है, जो चट्टाने होती है वो नगन होती है, और इस पे क्या होता है, इस पे ना ही आपकी कोई डेब्रीज होती है। देखो, डिवॉइड ऑफ एनी डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब कोई भी मिट्टी का जो आपके कण है, और साथ ही साथ आपके जो थोड़े बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह होते हैं मिट्टी के, वो भी नहीं मिलते हैं। ये देखो, ये अगली लाइन में बोलते हैं, द स्लोप इज सो स्टीप एंड प्रेसिपिटीशियस दैट नो वेदर्ड मटेरियल कैन रेस्ट ऑन इट। ये कहते हैं ये जो स्लोप होता है ना ये बहुत ज्यादा स्टीप होता है कि इस पे कोई भी आपका वेदर या इरोजन हुआ मटेरियल, यानी कि जो आपका कन्वेक्स स्लोप से इरोजन हुआ मटेरियल आएगा वो यहाँ पे नहीं रुकता है। ठीक है, वो इस पे नहीं संभल सकता है। और द एलिमेंट और सेगमेंट, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इस फ्री फेस को आप स्लोप ऑफ डेरिवेशन भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ डेरिवेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से बिकॉज, ये देखो ये रीजन असर्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्री फेस स्लोप को स्लोप ऑफ डेरिवेशन बोला जाता है और असर्शन दिया जाएगा बिकॉज देयर इज इंस्टेंटियस डाउन स्लोप ट्रांसफर ऑफ मेटीरियल, क्योंकि यहाँ से आपके मटेरियल का बहुत तेजी से क्या होता है, बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए इसको स्लोप ऑफ डेरिवेशन बोला जाता है। ये कहते हैं ये जो फ्री फेस एलिमेंट है इज सब्जेक्टेड टू बैक वेस्टिंग। अब कल मैंने आपको समझाया था बैक वेस्टिंग क्या होता है। बैक वेस्टिंग होता है किसी भी चीज का पीछे की तरफ क्या होता है, कट होना। ठीक है, तो ये जो फ्री फेस स्लोप है इसका क्या होता है, ये कटता रहता है, बैक वेस्टिंग होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पैरेलल रिट्रीट ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, फ्री फेस यानी के आपका पहाड़ी ढलान का तत्व नगन नंगी चट्टानों की दीवार जैसी तीव्र ढलान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि नगन चट्टाने होती है, तीव्र ढलान होती है, यानी कि स्टीप स्लोप होता है,
यानी कि बहुत खड़ा ढाल होता है, बिल्कुल ऐसे जिस पे कोई खड़ा ही नहीं हो पाए। ना तो इस पे कोई वनस्पति होती है और ना इस पे कोई मलबा मिलता है। और ये क्या है, इस पे कोई भी आपकी जो अपेक्षित सामग्री है ना, कोई भी अपेक्षित सामग्री इस पर टिक नहीं सकती। और दूसरा कहता है इस तत्व को या खंड को क्या बोला जाता है, व्युत्पत्ति का ढलान, यानी कि स्लोप ऑफ डेरिवेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको व्युत्पत्ति का ढलान, क्योंकि इसमें सामग्रियों का तत्कालीन ढलान परिवहन होता है। क्योंकि यहाँ से जो आपके मटेरियल है मलबा, उसका लगातार एकदम से क्या हो जाता है, लगातार एकदम से इसका हो जाता है ट्रांसफर, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं मुक्त फेस तत्व को बैक वेस्टिंग। बैक वेस्टिंग के कारण ये जो फ्री फेस है, ये क्या है, फ्री फेस में जब आपका जो स्लोप बनता है ना, ये फ्री फेस स्लोप कैसे बनेगा, देखो आपका ये माउंटेन था, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये कट हो गया, इरोजन हुआ, इरोजन हो गया, इरोजन हो गया, बस लास्ट का एक इसका एक खंड कैसा बचा रह गया, ऐसे ये खड़ा रह गया। तो इसको बोला जाता है आपका फ्री फेस स्लोप। ठीक है, ये पहला रिट्रीट के कारण क्या होता है, ये पीछे हटता है। ठीक है, तो ये है आपका फ्री फेस, ये देख लो, ये सबसे पहले मैंने आपको सुमीटियल कन्वेक्सिटी समझा दी। ये फ्री फेस देखो बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे कोई भी आपका इरोजन, यहाँ पे कोई भी आपका डिपोजिशन नहीं होता है। इरोजन तो सबसे ज्यादा होगा लेकिन डिपोजिशन बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसको स्लोप ऑफ डेरिवेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पदार्थ का ठहरना नहीं हो पाएगा, वो सीधा यहाँ से कहाँ ठहरेगा, इस रेक्टिलिनियर स्लोप पे। अब थर्ड जो है वो पढ़ेंगे हम रेक्टिलिनियर स्लोप। ठीक है, अब इस रेक्टिलिनियर स्लोप के भी कुछ नाम है वो आपको याद रखने हैं। तो देखो जो आपका रेक्टिलिनियर एलिमेंट है ये कैसा है, द स्ट्रेट और लीनियर सेगमेंट ऑफ हिल स्लोप प्रोफाइल बिटवीन अपर फ्री फेस एंड लोअर कनकेव एलिमेंट इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर एलिमेंट। यानी के क्या कहते हैं, आपके फ्री फेस और ये जो नीचे कनकेव स्लोप है, इसके बीच में ये जो एक लाइन जैसा आपका स्लोप है, उसको बोला जाता है रेक्टिलीनियर स्लोप। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इसको कांस्टेंट और यूनिफॉर्म या फिर रेगुलर स्लोप बोलते हैं। अब रेक्टिलिनियर को कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और रेगुलर स्लोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म नेचर ऑफ स्लोप, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पूरे स्लोप का नेचर है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि जेंटल स्लोप हो जाता है आपका, सेम है यहाँ पे स्लोप, ऐसा नहीं है कि कहीं पे खड़ा है, कहीं पे ऐसे हुआ, कहीं पे खड़ा है, कहीं पे ऐसा हुआ, क्या है, यूनिफॉर्म है ऐसे। उसके बाद बोलते हैं, यानी ये कहते हैं देखो आपका, अगर आप नीचे से यहां से कंकेव से रेक्टिलिनियर की तरफ जाओ तो ऊंचाई क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आओगे तो जो आपकी हाइट है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या है, या इसलिए इसको स्लोप ऑफ डेरिवेशन, सॉरी, इसलिए इसको कांस्टेंट या यूनिफॉर्म या फिर रेगुलर स्लोप बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर, अगर नीचे से ऊपर जाए तो आपकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, और अगर ऊपर से नीचे है तो ऊंचाई क्या है, घट जाती है। और इसको देखो डेब्रीज स्लोप भी बोलते हैं। आप डेब्रीज स्लोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका मलबे का डिपोजिशन हो जाता है। आपके फ्री फेस पे मलबे का डिपोजिशन नहीं होता, बट रेक्टिलिनियर पे मलबे का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, अब ये कहते हैं द एंगल ऑफ रेक्टिलिनियर सेगमेंट इज कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड बाय एंगल ऑफ रिपोज ऑफ डेब्रीज। और देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिपोज स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इसका नाम याद रखना कि इसको रिपोज, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपकी जो डेब्रीज है वो कंट्रोल होती है, डेब्रीज का यहाँ पे डिपोजिशन होता है, यहाँ पे डेब्रीज रुक जाती है, इसको इसलिए इसको बोला जाता है रिपोज स्लोप। और ये भी मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे जो आपकी ये डेब्रीज है ना, डेब्रीज क्या होती है, आपका ये मलबाइज की एक थिक मोटी परत जो है वो बिछ जाती है, और ये क्या, ये स्टेशनरी नहीं होती है, ये कैसी होती है, मोबाइल होती है। ठीक है, और इसलिए रेक्टिलिनियर एलिमेंट को डेब्रीज कंट्रोल्ड स्लोप बोला गया है, क्योंकि
ये सारे नेम आपको याद रखने हैं। हिंदी में देख लो, रेक्टिलिनियर तत्व क्या होता है? आपके ऊपरी फ्री फेस यानी कि मुक्त सतह और नीचे के जो कनकेव आपका एलिमेंट है उसके बीच एक सीधी और रैखिक खंड को, एक लाइन, खंड मतलब एक सीधी और लीनियर लाइन को रेक्टिलिनियर लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि इसमें क्या है, इस ढलान कोण को हम क्या क्या बोलते हैं? स्थिर, एक समान या नियमित ढलान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके जो ढलान है, ढलान में धीरे धीरे वृद्धि या धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। धीरे धीरे वृद्धि कब होती है? धीरे धीरे वृद्धि होगी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और धीरे धीरे कमी कब आएगी? जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। और इसलिए इस तत्व को क्या बोला जाता है? मलबा ढलान भी बोला जाता है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि ये जो है ना, ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील है। ये मलबे की जो एक लेयर जम जाती है, ये क्या है? ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील है, इसमें निरंतर गति होती रहती है। ठीक है, और यही कारण है, इसमें गति होने के कारण जो आपका मलबा है वो क्या होता है, इसलिए इसको मलबा नियंत्रित ढलान कहा जाता है। अब आपका एक है, आपका लास्ट बच गया, वो है कनकेव एलिमेंट। अब ये कनकेव एलिमेंट क्या होता है? कनकेव एलिमेंट यानी के ऐसी शेप, कटोरी जैसी शेप। अब ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव एलिमेंट। देखो, ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम स्लोप से नीचे उतरते हैं, ढलान नीचे उतरते हैं पहाड़ से, तो क्या होता है, हमारा जो एंगल है वो कम होता जाता है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वानिंग स्लोप भी बोलते हैं। कनकेव एलिमेंट को याद रखना, इसको वानिंग स्लोप भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है वैली फ्लोर बेसमेंट स्लोप, या इसको लोअर वॉश स्लोप भी कहते हैं। और ये जो आपका कनकेव स्लोप है, ये कैसे बनता है? आपके डेंड्यूनेशन की वजह से, यानी कि आपका इरोजन, डिपोजिशन, आपका एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन की वजह से बनता है। ये बनता है मेनली जो बारिश का पानी होता है उसकी वजह से, आपकी रिल और गली। अब रिल क्या होती है, ये देखो, ये आपका कोई भी मैदान है, उसमें जब दो छोटी छोटी नदियां बहती है इसको बोलते हैं रिल, और जहां पे ये दो नदियां मिलती हैं इसको बोला जाता है आपका गली। ठीक है, और ये कहते हैं कि यहाँ पे जो कनकेव एलिमेंट होता है, कनकेव एलिमेंट में डेब्रीज होती है और यहाँ पे बेयर रॉक्स होती हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो कि ये एक आदर्श पहाड़ी ढलान प्रोफाइल के एक मिनट, ये कहते हैं कि ये जो आपका पहाड़ी है, पहाड़ी के ढलान प्रोफाइल के बेसल खंड को हमेशा क्या करता है? अवतल तल की विशेषता होती है। ये क्या है? पहाड़ी के बिल्कुल ढलान पर बनता है, ढलान यानी कि बिल्कुल लो बेस पर बनता है। और इसमें क्या है, इसमें आपकी जो हाइट है वो बिल्कुल कम होती है, घट जाती है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको वैली फ्लोर बेसमेंट स्लोप, या इसको निचला वॉश स्लोप भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से वर्षा के और रिल और गली के कटाव द्वारा ये बन जाता है। ठीक है, तो ये चार एलिमेंट है। अगर किसी को स्लोप के चार एलिमेंट नहीं समझ में आए हैं, पहले वो बता दो। हाँ सविता, ये स्लोप के टाइप हैं, हम जो स्लोप पढ़ते हैं ना, उस स्लोप के टाइप है। अभी तो मैंने बताया, आपका टॉपिक देखो ना, स्लोप एलिमेंट। ठीक है, भास्कर एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जो, जहां तक चांसेस हैं, अगर मैं बताऊं कि आपके जो फॉर्म कब तक निकलेंगे, तो वो फॉर्म आपके अक्टूबर के एंड तक निकल सकते हैं। अक्टूबर के एंड तक आपका जो पेपर है वो रिलीज कर दिया जाएगा और आपके दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा।
और अगर मैं बोलूँ PYQ के लिए कौन सी बुक लेनी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि PYQ के लिए कोई बुक मत लो, ठीक है। अगर आपको PYQ सोल्व करनी है तो उसके लिए ना बस एक ऐप बताई हुई है मैंने, जिसको बोला जाता है फ्रेंड जियो ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। और उस फ्रेंड जियो ऐप पे ना सिर्फ आपके ज्योग्राफी के पेपर 2 के सारे क्वेश्चन 2009 से लेके 2023 तक, अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पे कोई भी आपकी कॉस्ट नहीं है। जब आपका मन किया आप वो खोल सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर जैसे जियोमोर्फोलॉजी के टॉपिक सोल्व करने हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाओगे उसके लास्ट ऑप्शन पे, और उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सबके अलग अलग MCQ मिल जाएंगे, जियोमोर्फोलॉजी के अलग MCQ, आपके ओशनोग्राफी के अलग, क्लाइमेटोलॉजी के अलग, जो पेपर में आए हैं। और हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो पेपर के अकॉर्डिंग करने हैं, हमें ना तो यहाँ पे UPSC के क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं, ना किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो सिर्फ ज्योग्राफी के सोल्व करने हैं, और वो भी सिर्फ जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो जो है, मैं आपको कोई भी आपको बुक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ सिर्फ, क्या रिकमेंड कर रही हूँ, वो ऐप रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छी ऐप है। अगर मान लो आपके पास PYQ लगाने का थोड़ा सा टाइम नहीं बन रहा है, मान लो आपको कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाते हुए आपके पास 20 मिनट का या 10 मिनट का जितने भी समय का टाइम है, तो आपने फोन खोला, ऐप खोला, और जल्दी जल्दी आपको PYQ सोल्व कर लिया। आपको वहां पे कोई भी बुक कॉपी निकालने की जरूरत नहीं, आपने अपने फोन में ही कर लिया, तो वो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ईजी है, और आपके लिए इकोनॉमिक भी है, ठीक है। तो ये भास्कर, अंकिता, अश्विनी, सविता, ये जो आपके स्लोप के चारों एलिमेंट है, ये आपको समझ में आ गए। अब आपकी ना स्लोप की थ्योरी है 3, हिल स्लोप थ्योरी आपकी, एक है डेविस की। मैम कमेंट दे में क्यों देखते हो, क्योंकि सविता जो आपका ये जो ऐप का एक्सेस है ना, वो मेरे दूसरे फोन में, और मेरे दूसरे फोन में वो ऐप नहीं चल पा रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं अपने फोन में वो ये ऐप क्लास ऑन कर लेती हूँ, और मुझे नीचे आपके कमेंट शो हो जाते हैं, बट क्योंकि मेरे फोन में वो ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है, तो मेरे को बार बार ये जो स्क्रीन है आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आना पड़ता है PPT को क्लोज करके, ठीक है। तो मैंने इसलिए शुरू में बोला था कि आपको जो ये मैं टॉपिक करवा रही हूँ, इसकी जो जो स्लोप के जो 4 टाइप बताए हैं, उसके बाद आपकी जो है प्रॉब्लम सारी लूंगी, इसलिए मैं देर से आ रही हूँ। नहीं तो मैं कल कोशिश करूंगी कि जो फोन है फोन में वो डाउनलोड नहीं हो रही है, दूसरा फोन में करने की कोशिश करूंगी। हाँ बेटा बिल्कुल, स्लोप से क्वेश्चन आए हैं। स्लोप से मैंने अभी आपको बताया कि पैंक, ये पूछा गया कि आपके एलसी किंग ने स्लोप के 4 टाइप कौन से बनाए हैं, बताए हैं। तो ये तो आपके जनरल एक स्लोप के टाइप होते हैं, लेकिन जो आपके एलसी किंग है ना, एलसी किंग ने बात तो यही सेम बताई है, बस उन्होंने नाम अलग दे दिए। वे नाम क्या क्या दिए हैं अभी मैंने आपको बताए थे। अभी ये जो आपके स्लोप के नेम है ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। हम जब PYQ सोल्व करेंगे ना, अब मंडे ट्यूसडे को PYQ है, सबको पता है PYQ होते हैं, तो सबको क्लास ज्वाइन करनी है। मंडे ट्यूसडे को आपको यूट्यूब पर क्लास होती है, यूट्यूब पर आपको PYQ सोल्व करवाए जाते हैं, तो वहां पे क्लास ज्वाइन किया करो। अभी मैंने ये मेरे 4 बच्चे हैं, अंकिता, अश्विनी, भास्कर, सविता, तो आपको वो जो क्लास है ना वो ज्वाइन करनी है, क्योंकि फिर आपको तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मैं वहां पे आपको क्वेश्चन कट करके और करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपना फिर से। ये देखो, ये मैंने अभी बताए थे कि आपका जो एलसी किंग है ना, एलसी किंग ने स्लोप के 4 टाइप बताए हैं। ये देखो, ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये नोट्स में हाईलाइट कर लेना कौन कौन से हैं। वो है समिट, कार्प, डेब्रीज, स्लोप, और लास्ट में बताया इन्होंने पेडिमेंट। और पेडिमेंट वर्ड हमारा किसने दिया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पेडिमेंट वर्ड दिया है आपके एलसी किंग ने। और अगर अब भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लेना। अब पहले देखो, ये मैंने आपको स्लोप बता दिए ना कि सबसे पहले होता है क्रस्ट, या इसको आप सुमीटियल कन्वेक्सिटी, कन्वेक्स स्लोप और वेक्सिंग स्लोप भी बोलते हैं, या फिर अपर वॉश स्लोप भी बोलते हैं।
उसके बाद ये फ्री फेस स्लोप है। इस फ्री फेस स्लोप को आप क्या क्या बोलते हो, यहाँ पे आपका कोई भी डिपोजिशन नहीं होता है, नो डिपोजिशन, यहाँ पे आपको कोई मलबा नहीं मिलता है और इसको स्लोप ऑफ डेरिवेशन बोलते हैं। उसके बाद ये डेब्रीज स्लोप, इस डेब्री स्लोप को हम रेक्टिलिनियर स्लोप बोलते हैं, इसको हम कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा पेडिमेंट, इस पेडिमेंट को हम कनकेव या सुमिटियल कनकेविटी भी बोलते हैं या लोअर वॉश स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखो ये आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको बेशक से याद नहीं करना है, बस ये देख लो। अब आपका जो स्लोप है ना, स्लोप को किस बेस पे डिवाइड कर रखा है, तो स्लोप के ना टाइप है, स्लोप का जेनेटिक क्लासिफिकेशन किया। जेनेटिक का मतलब है कि उनके ओरिजन के बेस पे, कि कैसे उनका ओरिजन हुआ है। तो सबसे पहले जो स्लोप का टाइप है वो है टेक्टोनिक स्लोप। टेक्टोनिक स्लोप यानी कि आपकी जो ये प्लेट मूवमेंट करती है ना, उनकी वजह से आपके स्लोप का ओरिजन होता है। दूसरा है इरोजनल स्लोप। इरोजनल स्लोप यानी कि ये पहाड़ है। अब स्लोप कैसे बनेगा, ये पहाड़ बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ है, ये देखो ये पहाड़ बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ। अब ये स्लोप कैसे बनेगा, आपकी विंड आई, विंड ने इस वाले पार्ट पे काम किया। अभी इसकी शेप कैसी होगी, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये स्लोप बन गया आपका, ठीक है। तो इरोजनल स्लोप यानी कि इरोजन की वजह से, जब आपका एयर विंड काम करती है, इरोजन, उसकी वजह से आपके स्लोप का इरोजन होता है। उसके बाद है स्लोप ऑफ एक्यूमिलेशन। एक्यूमिलेशन का मतलब है जब डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि ये देखो ये आपका पहाड़ है, पहाड़ को कट करके नदी यहाँ पे क्या है, या नदी क्या करके लेके अपने साथ लेके आई मलबा, और उसको ऐसे क्या कर दिया, डिपोजिट कर दिया। तो इसकी वजह से ये देखो ये खड़ा ढाल बन गया, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ एक्यूमिलेशन। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस देख लेना कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्लोप के कितने टाइप हैं, ठीक है। अब है आपका जो आपके आर्थर यंग हैं, आर्थर यंग ने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी के एक क्वांटिटी में हमने उस स्लोप को क्या कर दिया, नंबरिंग दे दी, कि इतने से इतना अगर झुका हुआ है तो इस स्लोप ये होगा इतने से। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी की बेस पे आपके जो आर्थर यंग हैं उन्होंने सेवन जो स्लोप है, स्लोप को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कि 0.9 से 0.50 कैसा होगा, वेरी जेंटल स्लोप होगा, फिर जेंटल स्लोप 2.0 से 5.0, मॉडरेट स्लोप 5.0 से इतना, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं करने हैं, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है। उसके बाद ये देखो, अब आपकी थ्योरी है, अब आपको एक बात याद रखना, ये जो इनके नेम है ना, ये आपसे इन नेम से ही क्वेश्चन पूछे गए आज तक। आपसे पूछा गया कि स्लोप डिक्लाइन थ्योरी क्या है, देखो ये मैच द फॉलोइंग में दिए दिए गए, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी और पेलर रिट्रीट थ्योरी। तो जो स्लोप डिक्लाइन थ्योरी है वो है आपकी विलियम मॉरिस डेविस की, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी वो किसकी है आपके, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी है आपके, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी किसकी है आपकी, लिख लो ये, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी आपके एलसी किंग की, और पेलर रिट्रीट थ्योरी है आपके टैंक की, ठीक है। ये देखो ये आपकी स्लोप डिक्लाइन थ्योरी विलियम मॉरिस डेविस की, आपका ये देखो स्लोप डिक्लाइन थ्योरी विलियम मॉरिस डेविस की, रिप्लेसमेंट टैंक की, पेलर रिट्रीट आपके एलसी किंग की। ओहो 1 मिनट, लाइट ही चली गई, वेट। ठीक है,
तो अब पढ़ते हैं उसके बाद। देखो ये जो स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी है वो किसकी है, वोल्टर पैंक की है। और आपका जो लास्ट है ये हिल स्लोप साइकिल थ्योरी, पेलर रिट्रीट थ्योरी है किसका है, एलसी किंग का। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। अभी बताती हूँ, इस डायग्राम से समझो पहले, इस डायग्राम से तीनों थ्योरी में डिफरेंस समझना है। सबसे पहले नंबर पे याद करनी है आपको क्या, डिक्लाइन थ्योरी, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी किसकी है, विलियम मॉरिस डेविस की। डेविस ने ये बोला कि आपका जो कोई भी लैंडस्केप है उसका क्या होगा, उस इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई तो इतनी रहेगी बस, इसकी ये जो हाइट है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे था इतनी हाइट थी, उसके बाद इरोजन, जो इरोजनल फोर्सेस है उन्होंने काम किया, यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने, फिर इतनी आ गई, फिर इतनी आ गई, और फिर बिल्कुल कहाँ आ गई, इतनी आ गई। तो ये क्या हो रहा है, आपका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है, इसलिए इनकी थ्योरी को बोला गया है स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। ठीक है, अब दूसरी आपकी पेलर रिट्रीट थ्योरी, ये किसने दी आपके, एलसी किंग ने। एलसी किंग क्या कहते हैं कि कोई भी जो लैंड फॉर्म है उस पे बैक वेस्टिंग होगी। ठीक है, तो क्या है, उसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई कम होगी लेकिन उसकी जो हाइट है ना वो वैसी बनी रहेगी। कैसे, देखो पहले ये इतना फैला हुआ था, एक पे था, इतनी चौड़ाई थी, फिर इस पे इरोजन, इसकी बैक वेस्टिंग हुई, जिसकी वजह से ये देखो ये दो पे, दो के बाद ये तीन पे, और आपका जो स्लोप है उसकी हाइट, देखो हाइट इसकी इतनी है, बस इसकी जो ये नीचे से चौड़ाई है ये कम हो गई है। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड है वो है आपका रिप्लेसमेंट मॉडल। अब रिप्लेसमेंट मॉडल में जो आपके पैंक है, पैंक ने क्या बोला, ना तो आपके लैंड फॉर्म की जो हाइट है वो छोटी होती है, ना आपके लैंड फॉर्म की जो चौड़ाई है वो कम होती है। इसमें क्या होता है, बस आपका जो स्लोप है ना वो रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि देखो पहले आपका ये स्लोप यहाँ पे था, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो गई, आपका जो टू है वो पहले ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे चला गया। तो क्या है, बस स्लोप रिप्लेस हो जा रहे हैं, एक दूसरे की जगह ले जा रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं होती, यानी कि इसकी हाइट में या चौड़ाई में कोई कमी नहीं आती है। तो ये तीन जो मॉडल है, तीन जो आपकी क्या है, तीन जो आपकी थ्योरी है, आपका डिक्लाइन मॉडल किसका है, विलियम मॉरिस डेविस का, आपका पेलर रिट्रीट मॉडल किसका है, एलसी किंग का, और आपका रिप्लेसमेंट मॉडल किसका है, वोल्टर पैंक का। तो अगर कोई भी डाउट है, अब पहले मेरे को ये बताओ कि आपको ये समझ में आ गया ये डायग्राम, क्योंकि ये इस डायग्राम पे ही आपका सारा क्वेश्चन बेस्ड है। टाइम अंकिता, टेलीग्राम पर जो आपका क्या कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आपका बना हुआ है, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना ज्योग्राफी का, वो ऑलरेडी बना हुआ है, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे कोई भी मेरी क्लास, जो आपकी फ्री क्लासेस होती है ना यूट्यूब पे, वहां पे जाओगे ना, उसमें टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, तो उस टेलीग्राम लिंक से आप क्लास ज्वाइन कर लो। अब मुझे ये बताओ, और वहां पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, लिंक भी शेयर कर दूंगी, यूट्यूब पर जब क्लास होती है ना तो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, और आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया करो। यूट्यूब पर आपकी जो क्लासेस होती है ना वो 6 बजे होती है, 6 से 7 बजे होती है आपकी मंडे ट्यूसडे को, बाकी जो ऐप पर क्लास होती है वो 8 से 9 बजे होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये आपको ये तीनों स्लोप समझ में आएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन कितना आता है, सिर्फ इतना आता है कि स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल कितना किसका है, आपका पेलर रिट्रीट मॉडल किसका है, और आपका डिक्लाइन थ्योरी किसकी है। ठीक है, और जो बचे हैं वो भी बताओ, अश्विनी, भास्कर, सविता, ओके। तो और बेटे ये हो सकता है कि आपकी जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी की दो क्लासेस शुरू हो जाएं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है 2-3 महीनों में ही, तो दो क्लासेस हो सकती हैं दिन की। तो चल रही आगे, अब पढ़े इन थ्योरी को, क्या बोला गया है जल्दी से बताओ, इन थ्योरी को अब आगे पढ़ें। अब
अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये पढ़ते हैं आपका स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। तो देखो ये दे रखा है आपका स्लोप डिक्लाइन थ्योरी में क्या बोला गया है, द स्टीपेस्ट पार्ट ऑफ द स्लोप प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन एंगल एकम्पनीड बाय डेवलपमेंट ऑफ अ कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी। ये कहते हैं कि जो स्टीपेस्ट पार्ट है ना, ये जो स्टीपेस्ट पार्ट है इसका क्या हो जाता है, ये डिक्लाइन करने लग जाता है, ये छोटा हो जाता है, इसकी हाइट छोटी हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो उतनी रहती है, इसकी जो पूरी शेप है वो उतनी रहती है, लेकिन ये कन्वेक्स से ये किस में चेंज हो जाता है, कनकेव में। ओके, तो याद रखना ये स्लोप डिक्लाइन थ्योरी किसकी है, कि ढलान का सबसे जो तीव्र भाग है उत्तलता और अवतलता के विकास के साथ कोण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और इसको क्या बोला जाता है, स्लोप डिक्लाइन मॉडल। ये विलियम मॉरिस डेविस का है, जो कैसे है कि पहले इतनी हाइट थी, अब उसकी हाइट कितनी होगी, इतनी होगी, उसके बाद इसकी हाइट इतनी हो गई, उसके बाद इसकी हाइट क्या है, इतनी होगी, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई सबकी क्या है, सेम है, इक्वल है, बस हाइट कम हो जाती है। ओके, उसके बाद ये देखो अब स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल में क्या बोला गया है, कि जो आपका मैक्सिमम एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज थ्रू रिप्लेसमेंट, यानी कि इसमें ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, बस इसमें क्या हो जाता है, ये डिक्रीज कैसे हो रहा है, एक दूसरे को रिप्लेस करके, ठीक है, आपका जो जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखना। उसके बाद आपका पैरेलल रिट्रीट मैंने आपको बता दिया, ये वही बातें लिख रखी है, इनको हिंदी में अपने कॉपी में नोट्स में लिख लेना, ये आपको इतना डिफिकल्ट याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना आपसे नहीं पूछा जाता है। ओके, ये कहते हैं द मैक्सिमम एंगल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो लेंथ है ना, ये तो इतनी रहती है, लेकिन इसकी जो ये विड्थ है ना, ये क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, पहले ये इतनी थी, उसके बाद ये देखो हाइट इतनी है, बट इसकी विड्थ इतनी होगी, उसके बाद ये इतनी हो गई, ये किसकी वजह से होती है, ये बैक वेस्टिंग है। बैक वेस्टिंग क्या होता है, पीछे की तरफ हटन, पीछे की तरफ किसी भी का भी इरोजन होने की वजह से, ठीक है। अब ये है आपका स्लोप डिक्लाइन थ्योरी विलियम मॉरिस डेविस की। तो ये कहते हैं कि जो डेविस की थ्योरी है ना स्लोप डिक्लाइन, ये कहाँ पे इन्होंने अपने एसे में इसके बारे में लिखा है, कौन से एसे में, द कन्वेक्स प्रोफाइल ऑफ बेडलैंड डिवाइड, कब दी है इन्होंने, 1892 में। उसके बाद ये देखो इनका ग्रेडिंग ऑफ माउंटेन स्लोप, ये 1898 में दिया इन्होंने। इन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल साइकिल कब दी, 1899 में, और पिडमोंट बेंच, और ये कब दिया इन्होंने, 1932 में, ठीक है। तो आप ये क्या कहते हैं, ये जो आपके डेविस है, डेविस ये बताते हैं कि जो ये प्रोसेस है साइक्लिक डेवलपमेंट का, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्लोप है वो गिर जाता है। स्लोप में क्या होते हैं, सीक्वेंशियल चेंज, सीक्वेंशियल मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपका पहले जो स्लोप होता है वो यूथ स्टेज, यानी कि यूथ स्टेज में स्लोप कैसा होता है, कन्वेक्स, फिर आपका मैच्योर में कैसा होता है, रेक्टिलिनियर और यूनिफॉर्म, और आपका ओल्ड स्टेज में कैसा स्लोप हो जाता है, कनकेव स्लोप। तो ये याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यूथ स्टेज में आपका स्लोप का जो शेप है वो कैसी होगी, मैच्योर में कैसी होगी और ओल्ड में कैसी होगी। ये हिंदी में देख लो, ये तो इनके ऐसे हैं। उसके बाद यहां से आपके लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है कि युवा अवस्था में उत्तल शेप और आपका मैच्योर स्टेज में कैसा बनता है, मैच्योर स्टेज में रेक्टिलिनियर और आपकी ओल्ड स्टेज में कनकेव स्लोप बनता है। उसके बाद ये देखो आपका, देखो ये क्या बता रखा है, स्टीप कन्वेक्स स्लोप कब बनता है, स्टीप यानी के खड़ी ढाल वाला कन्वेक्स स्लोप, ये कब बनता है, आपकी यूथ स्टेज में बनता है, जब आपकी रिवर का सबसे पहले जो स्टेज होती है साइकिल ऑफ इरोजन की, जो सबसे पहली स्टेज होती है उसमें आपका यूथ स्टेज में
कन्वेक्स स्लोप होता है। और इस यूथ स्टेज में क्या होता है, आपका जो स्लोप का रिट्रीट है वो बहुत कम होता है। और यहाँ पे क्या है, अभी जब आपकी ये यूथ स्टेज में अभी स्लोप का डिक्लाइन शुरू होना नहीं होता है, इसमें अभी जो स्लोप है वो बढ़ता है। उसके बाद ये लेटरल इरोजन क्या होता है, लेटरल इरोजन लेटरल का होता है जब किनारों का इरोजन होने लगता है। किनारों का जब इरोजन होगा ना, तो इस किनारों का इरोजन होने की वजह से आपकी जो नदी की चौड़ाई है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी लेंथ कम हो जाती है और चौड़ाई उतनी ही रहती है। आ गया समझ में, यही पॉइंट है ना विलियम मॉरिस डेविस का। विलियम मॉरिस डेविस यही प्रूव करना चाहते हैं ना कि उनकी जो चौड़ाई है वो क्या रहती है, वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, चौड़ाई तो आपकी उतनी रहती है लेकिन आपकी जो ये हाइट है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये आपको डायग्राम मैंने समझा दिया। अब आपका स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल किसका है, ये है आपका पेंक का, ठीक है। पेंक ने अपने जो स्लोप मॉडल ये कब दिया था, अपने डायमोर्फोलॉजी एनालिसिस यानी कि मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ये इनकी बुक है उसमें ये इन्होंने दिया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि ये जो आपका स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल है ये क्या होता है, इसमें आपका जो वर्टिकल इरोजन है, वर्टिकल इरोजन कौन करता है, वर्टिकल इरोजन यानी कि आपका देखो ये वर्टिकल इरोजन कैसे होता है, ये नॉर्थ टू साउथ वाला जिसकी वजह से गहराई बढ़ती है, ठीक है। इस वर्टिकल इरोजन आपकी नदियां करती है यूथ स्टेज में, उसकी वजह से जो स्लोप का आधार होता है ना ये वाला, ये क्या हो जाता है, ये इसका डेंडिनेशन की वजह से रिमूव हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट करके आगे चला जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपका जो स्लेप स्लोप है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। मान लो पहले यहाँ पे स्लोप था ऐसा, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो नदी है, नदी ने वर्टिकल इरोजन किया, तो अब ये कैसा हो गया, ऐसा जेंटल में चेंज हो गया। तो इस लेन के मॉडल को क्या बोला जाता है, रिप्लेसमेंट थ्योरी, डब्ल्यू पेंक का ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ये ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत इन्होंने अपनी डायमोर्फोलॉजी एनालिसिस बुक में दिया था, याद रखना इस बुक का नाम। और इसमें इन्होंने बताया कि जो आपका वर्टिकल इरोजन है यानी कि ऊर्ध्वाधर कटाव है, उसके द्वारा अनाच्छादन होता है यानी कि इरोजन और वेदरिंग होती है, और उससे हमारा जो ये ढाल है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। यानी कि पहले अगर वो स्टीप था तो उसके बाद इसका वर्टिकल इरोजन होने की वजह से ये जेंटल में चेंज हो जाएगा, या फिर अगर ये जेंटल में है तो ये रेक्टिलीनियर में चेंज हो जाएगा। इसलिए इनके मॉडल को क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन, या क्या बोला जाता है, रिप्लेसमेंट मॉडल। अब आपका जो लास्ट है वो लास्ट आपका हिल स्लोप साइकिल और पैरेलल रिट्रीट थ्योरी। पैरेलल रिट्रीट थ्योरी किसके, आपके एलसी किंग ने। एलसी किंग ने जो आपका साउथ अमेरिका ने उसकी बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन की थी। और ये क्या बताता है, ये बताता है द इवोल्यूशन ऑफ हिल स्लोप इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ पैडी प्लेन साइकिल। तो पैडी प्लेन साइकिल किसने दिया, आपके एलसी किंग। और पैडी प्लेन का फॉर्मेशन कब होता है, जब आपके दो स्कार्प मिल जाते हैं। स्कार्प क्या होते हैं, ये खड़े भाग, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो आपके पेडिमेंट का आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। ये देखो पेडी प्लेन फॉर्मेशन इज रिजल्ट ऑफ ट्विन प्रोसेस दैट इज स्कार्प रिट्रीट और पेडिमेंटेशन। स्कार्प रिट्रीट क्या होता है, ये मैंने बताया था कल भी, ये है माउंटेन। अब आपकी नदी इसको क्या कर रही है, काट रही है, ऐसे पीछे की तरफ काटती जाएगी काटती जाएगी, इसकी वजह से एक क्या, एक कगार बन जाएगा, इसको बोलते हैं स्कार्प रिट्रीट, ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि जो शुरुआती स्टेज होते हैं उसमें हिल स्लोप डेवलपमेंट के, उसमें क्या होता है, स्कार्प फेस एक्सपीरियंस पैरेलल रिट्रीट ड्यू टू बैक वेस्टिंग। एक ही एलसी किंग की थ्योरी का सिर्फ एक ही रीजन याद रखना कि इनकी थ्योरी में बैक वेस्टिंग या हेडवर्ड इरोजन हुआ था, ठीक है। ये जो आपके लिए हाइलाइटेड वर्ड है, पेडीप्लेन साइकिल और हिल स्लोप इवोल्यूशन थ्योरी, ये किसकी, आपके विलियम मॉरिस डेविस की। ये देखो ये आपका मैंने ये बताया ना, ये क्रस्ट सबसे ऊंचा उठा भाग, फिर स्कार्प, फिर डेब्री स्लो, फिर पेडिमेंट, कैसा
ये आपके क्या है, एलसी किंग के द्वारा जो चार मैंने बताए थे ना, एलसी किंग के द्वारा चार एलिमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले क्रेस्ट, क्रेस्ट के बाद स्कार्प, फिर डेब्री स्लोप और फिर पेडिमेंट, ये याद रखना। अब देखो ये आपको जो है ना, बेशक से ये याद मत करना कुछ भी, बस ये याद रखना ये आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ये आपकी वही सारी बातें लिखी हुई हैं। स्लोप डिक्लाइन थ्योरी किसकी है, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी किसकी है, आप उसके बाद देखो आप ये जो है आपसे ना क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि जो आपका स्लोप है, स्लोप के इवोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा आपका जो ग्रोफ है, नहीं तो मान लो चार दे दिए, तो देखो जो वुड है, वुड ने भी आपके स्लोप इवोल्यूशन पे क्या दी है, थ्योरी दी है। ठीक है, 1942 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ओके, उसके बाद ये हिल स्लोप साइकिल थ्योरी एलसी किंग की मैंने बता दिया, और उसके बाद है आपका आरे, ये बस आपको बस पढ़ना है, आरे सेवेगर ने भी, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, ए एन स्ट्रोलर ने भी दिया है। उसके बाद ये जो आपका फिशर लेमैन मॉडल है ना, इसके मॉडल को और क्या बोला जाता है, याद रखना, इसके मॉडल को हम क्लिफ, इसके मॉडल में क्लिफ करी सेशन, क्लिफ क्या होता है, भृगु। ठीक है, अब वो भृगु आपको नहीं समझ में आएगा, रहने दो, बस अभी इतना ही याद रखना फिशर लेमैन मॉडल किसका है, आपके फिशर लेहमैन का ही है। उसके बाद आपका प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल किसका है, आर्थर यंग का। बस इनके नाम याद रखने हैं और इनमें बताने के लिए, पढ़ने के लिए आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका ये जो हिल स्लोप थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, ये आपका खत्म हो जा रहा है। आज आपका ये जो टॉपिक फिफ्थ है ना, ये मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। अब अगर किसी को कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड, बता दो मुझे। कोई भी अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई है, आपको ही स्लोप थ्योरी नहीं समझ में आई है, आपको रिप्लेसमेंट थ्योरी नहीं समझ में आई है, आपको पैलर रिट्रीट थ्योरी नहीं समझ में आई है, तो आप पूछ लो कि मैम ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अभी साथ में ही बता दूंगी। भास्कर, अंकिता, अश्विनी, सविता, देखो बेटे जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और जो जो हम ये साथ में पढ़ रहे हैं ना, जैसे अब आपके पास कमेंट बॉक्स है, तो आप यहाँ साथ साथ लिख सकते हो कि स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी का, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल दिया वोल्टर पेंक ने, पैलर रिट्रीट मॉडल दिया एलसी किंग ने, आपका डिक्लाइन थ्योरी दी है विलियम मॉरिस डेविस ने। ठीक है, तो ये सब है आप साथ साथ लिख के रखो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ऐसे क्या है घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है आप सबको पता है, मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, ये पीडीएफ आपका अपलोड हो गया है। और अगर अब कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड, तो जल्दी, या आपका कोई और प्रीवियस टॉपिक है, कोई डाउट है तो बता दो। अभी 5 मिनट हैं आपके पास, आपके क्लास ओवर होने पे 5 मिनट हैं, तो आप बता दो अगर कोई भी डाउट है ना पेपर से या एग्जाम से रिलेटेड, कुछ एग्जाम का नहीं पता है, एग्जाम आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ नहीं पता है कि मैम एग्जाम कैसे सोल्व करना है, या आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है, पहले तो मुझे ये बताओ भी, चार बच्चे इनमें से सबसे अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम कौन देगा, दिसंबर में जो फर्स्ट टाइम एग्जाम है वो कौन देने वाला है, बताओ एक बार, फर्स्ट टाइम दिसंबर में जो एग्जाम है वो कौन देगा? अंकिता फर्स्ट टाइम देंगी, सविता भी फर्स्ट टाइम देंगी, भास्कर ने, और कौन है क्लास में, अश्विनी, आप लोगों ने एक बार दे दिया है, एग्जाम दे चुके हो आप। बेटे अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो ना, तो हर चीज समझ के जानी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात समझ के जाओ कि आपके दो पेपर होते हैं एक साथ, भास्कर ने भी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अभी समझा रही हूँ कि आपके दो पेपर होंगे एक साथ, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में होते हैं आपके 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में होते हैं आपके 100 क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको
सबसे पहले पेपर में एलिजिबल होने का ही क्या क्राइटेरिया है, तो दोनों पेपर में 40% 40% मार्क्स, यानी कि आपके कम से कम 30 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, यानी कि 40 क्वेश्चन सेकंड पेपर में और 20 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में होने चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो जाओ। और उसके बाद फिर उन एलिजिबल कैंडिडेट में से छाटा आपकी जो है लिस्ट निकाली जाती है कि टॉप नंबर किसके हैं, लोएस्ट नंबर किसके हैं, फिर एवरेज निकाल के और आपकी लिस्ट जारी की जाती है। अगर आपका पेपर 1 शिफ्ट में होता है तो आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ किस पे आएगा, क्वेश्चन बेस्ड आएगा कि आपके 91 क्वेश्चन होने चाहिए तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, 98 होने चाहिए जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन जब अगर आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपका जो पेपर है वो परसेंटाइल में आता है रिजल्ट, ठीक है? और जब परसेंटाइल में रिजल्ट आता है तो वो बहुत गड़बड़ वाला रिजल्ट आता है और वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कितना है, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है। तो आपका जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में आपकी देखो ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट का जितना सिलेबस मैं करवा दूँ ना, बस इतना कर लेना, इन इसमें से अपने नोट्स बना लो, सब कुछ क्लियर है, नोट्स अच्छे हैं और नोट्स बना लो। नोट्स बना के डेली जो टॉपिक होता है उसकी रिविजन करो डेली। ऐसे नहीं है कि पूरा पूरा लिखना है नोट्स में, ये छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं। बड़ा बड़ा लिखोगे तो लास्ट लास्ट टाइम पे रिविजन नहीं कर पाओगे। छोटा छोटा लिखो ताकि आपकी जो रिवीजन है ना वो अच्छी हो जाए, ओके? और उसके बाद क्या करो, आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद उनकी रिवीजन की, रिवीजन करने के बाद क्या करो, उनकी रिवीजन करने के बाद आप अपने पीवाईक्यू सोल्व करो। किसी भी पेपर को क्लियर करने का, टारगेट करने का, अंकिता पेपर 2 ही होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं आपको, ठीक है? 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के लिए आपका सिलेबस अलग है और 100 क्वेश्चन के लिए आपका सिलेबस अलग है। 100 क्वेश्चन के लिए आप पढ़ोगे ज्योग्राफी और 50 क्वेश्चन के लिए आप पढ़ोगे आप रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ये वाले क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है? और आपका पेपर 2 में जो हम ज्योग्राफी में ये 10 यूनिट करेंगे, जियोमोर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, थोट है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, थोट से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। आपको जितना थॉट से सिलेबस दिया जाता है, जितना करवाया जाता है उतना ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि थॉट जो सब्जेक्ट है अपना ज्योग्राफी में, वो एक तरीके से क्या है, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उसमें आपके हर बार 10 से कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां से कभी 14 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन है तो इसका मतलब 20 नंबर आपके वहीं से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो मेहनत करनी है। और ये जो टॉपिक है आप सबको क्लियर हो गया है, जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो बता दो। पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो हम जब यूट्यूब पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना मंडे ट्यूसडे को, तब हमारे सोल्व हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। पेपर में हमारे 5 तरीके से, 5 तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। सविता, रिमोट सेंसिंग के क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं होते, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। और आपके रिमोट सेंसिंग से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं वो, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन देखा तो आपको लग रहा होगा कि ये रेजोल्यूशन क्या होता है और इनका जो ये स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन पूछ लेते हैं आपसे, वो तो आप लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन वो बहुत छोटा सा पार्ट है, आपको बहुत थोड़ा सा करना है, सिर्फ 3 दिन का आपका रिमोट सेंसिंग का सिलेबस है, यानी कि आपका 4 से 5 क्लास होंगे रिमोट सेंसिंग में, उसमें ही हो जाएगा। और आपका जो पूरा जो कार्टोग्राफी है वो भी आपका 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका ये ज्योग्राफिकल टेक्निक वाला सिलेबस है ना, वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वो बहुत इजी सिलेबस है आपका। आपको भी क्वेश्चन दे के वो बहुत हार्ड लग रहे होंगे, बट वो बहुत ईजी है। और जब आप क्लास में ये ज्योग्राफिकल टेक्निक करेंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ओके? और अगर कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग तो आप वो बता दो। हाँ, प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें एवरेज निकालने को दे देते हैं, आपका परसेंटेज निकालने को दे देते हैं, ठीक है? तो वो एवरेज और परसेंटेज निकालना या परसेंटाइल निकालना दे देते हैं, वो इजी क्वेश्चन होते हैं, वो हम क्लास में करेंगे।
जब हमारा ये यूनिट 9 होगी ना ज्योग्राफिकल टेक्निक की, उसमें हम ये सोल्व करेंगे। आपको अभी ये मत सोचो कि हार्ड है हार्ड है, हार्ड हार्ड सोचोगे तो हार्ड ही लगेगा और वो सोल्व नहीं होंगे, इवन पेपर में भी बैठ के सोल्व नहीं होंगे। अभी छोड़ दो, हार्ड कुछ नहीं है, सब इजी है। जब हम समझेंगे ना तो वो बहुत इजी लगेगा। अभी जैसे मैं आपको करवाती हूँ, ये आपको इजी लगता है, आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि अभी तक आपने वो पार्ट समझा नहीं है तो इसलिए आपको हार्ड लगता है। जब हम ज्योग्राफिकल टेक्निक पे आएंगे तो आपको ये पार्ट भी, ये पोर्शन भी इजी लगेगा। ओके, तो अब मिलते हैं कल, हमारी क्लास होगी कल इसी टाइम पे 8 से 9 बजे, और हम कल अपना जो टॉपिक 6 है उसको पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक 5th कंप्लीट हो गया, कल हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग और अपना जो प्ले आइसोस्टेसी थ्योरी उसको पढ़ेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, वेलकम रुचि एंड बाय एवरीवन।